जोमेटो कुछ ऐसा जादू करने में कामयाब रहा जिससे अब तक कोई और ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी नहीं कर पाई। ग्राहकों के जेब से पैसा निकाला और तो और रेस्टोरेंट से भी पैसा बनाया। उनका जोमेटो गोल्ड रेस्टोरेंट में खाने या डाइनिंग पर एक के ऊपर एक मुफ्त और ड्रिंक्स पर दो के ऊपर दो, जिससे भाव आधा हो जाता है। इन्होंने अब तक 11 लाख मेंबरों की संख्या बना ली है, जिनमें से कुछ लोगों ने वार्षिक 2,000 रुपए देकर खुद को सदस्य बना लिया है। इन भारी मेंबरों के बल पर वे रेस्टोरेंटों से इस योजना में शामिल होने के लिए 79,000 रुपए तक लेते हैं, ये वायदा करते हुए कि उनका व्यापार बेहिसाब बढ़ेगा। देखते हुए कि हर रेस्टोरेंट इसमें भर्ती कर रहा था, वो भी डर के मारे शामिल हो गए। अगर मैंने इसमें हिस्सा नहीं लिया तो ग्राहक दूसरी जगह चले जाएंगे जहाँ उन्हें ज्यादा छूट मिलेगी। लेकिन जल्द ही रेस्टोरेंट के मालिकों को ये पता चला कि दूर के ढोल सुहाने ही नहीं बल्कि इसमें तो नफा भी कम है। भारी छूट देकर कोई रेस्टोरेंट नहीं चला सकता। चाहे खाना ऐप्स के माध्यम से ऑर्डर किया गया हो या जोमेटो गोल्ड के रेस्टोरेंट में अनलॉक किया गया हो, कमाई करीब करीब उतनी ही थी। 1,000 रुपए के बिल पर 100 रुपए का मुनाफा, सब चीज हिसाब में लेते हुए ऐप्स का कमीशन, छूट, डिस्काउंट, खाना तैयार करना और ग्राहक के घर पहुँचाने का खर्च। एग्रीगेटर ऐप्स द्वारा छोटे ऑर्डर के लिए जैसे 100 रुपए के ऑर्डर पर रेस्टोरेंट हकीकत में नुकसान करते हैं, क्योंकि डिलीवरी का 25 से 35 रुपए का खर्च ही बड़ा हिस्सा बन जाता है। जैसे जोमेटो 15 अगस्त के दिन गोल्ड होम डिलीवरी पर भी लागू करने जा रहा था। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI ने इस योजना से खुद को निकाल लिया, #lockout। बस कुछ ही हफ्तों में जोमेटो के 6,000 रेस्टोरेंट में से करीब आधे लॉग आउट हो गए। हालांकि जोमेटो ये कह रहा है सिर्फ 65 ही थे, लेकिन रेस्टोरेंट वाले ना तो घर के रहे ना ही घाट के, अब करें तो क्या करें। भारत के 30% युवा स्मार्टफोन के उपयोग से 500 शहर में हर महीने 10 करोड़ ऑनलाइन ऑर्डर मंगवाते हैं, और भले ही ऑनलाइन खाद्य वितरण बाजार कुल भोजन बाजार का सिर्फ 8% है, पिछले साल ऑर्डरों में 176% वृद्धि ने इसे 12,140 करोड़ रुपए की ऊंचाई तक पहुंचा दिया है, जो कि ज्यादातर इसी साल में भारतीय फिल्म उद्योग के 15,600 करोड़ को पीछे छोड़ जाएगा। युवा आजकल स्ट्रीमिंग सेवाओं की वजह से घर पर खाने की सुविधा पसंद करते हैं, जो फूड ऐप्स को बढ़ाने में मदद करता है। NRAI ने जोमेटो को अपने गोल्ड प्रोग्राम में 8 संशोधन की मांग की। भारी छूट बंद करें, अनलॉक सीमित करें, जैसे सिर्फ 1 हफ्ते में एक, हर 100 ऑर्डर के बाद 3% कमीशन में कमी, ग्राहक जानकारी डेटा सबके साथ साझा करें, खाना बनाने में 15 के बजाय 30 मिनट का समय दिया जाए, खुद से डिलीवरी की अनुमति, ऐप्स पर उच्च स्तर पर कैसे पहुंचे वो साफ साफ खुलासा किया जाए। सारे ऐप्स तो मान गए, सिर्फ जोमेटो ने अड़े रहते हुए पहले चेतावनी से धमकाया। ऐप्स छोड़ने के लिए 45 दिन का नोटिस देना होगा या फिर जुर्माना भरना होगा। और जब ये तरकीब नहीं चली तो दीपेंद्र गोयल ने नरमी जताने की कोशिश की, हमसे शायद कुछ गलतियां हुई हैं, हम गोल्ड में सुधार करेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि फूड एग्रीगेटर ऐप्स रेस्टोरेंट के धंधे को उलट पलट करके उनके अस्तित्व को चुनौती देंगे, बिल्कुल वैसे जैसे ओला और उबर ने काली पीली टैक्सी के धंधे को डुबा डाला है। और वे ये करेंगे एक ऐसी चीज से जो बिल्कुल नई है, क्लाउड किचन। जी हाँ, क्लाउड किचन एक ऐसी रसोई है जहाँ कोई खाने नहीं आता, जो सिर्फ डिलीवरी के लिए बनाई गई है। शहर के सस्ते इलाके में जहाँ भाड़ा कम हो, जो गहरी छूट देने के बाद भी आसानी से कमाई कर सकते हैं। शेफ विशाल भाटिया, जो मुंबई के रईस पवई इलाके में 2 क्लाउड रसोई चलाते हैं, मुंबई मिरर के साथ डिलीवरी ऐप से अपनी आय साझा की। 6,747 रुपए के बिल मूल्य पर उन्होंने खर्च से पहले 2,100 रुपए कमाए। ध्यान दें, एग्रीगेटर ने उनसे ज्यादा कमाया है, जिनके खिलाफ डाइनिंग सुविधाओं वाले रेस्टोरेंट मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जरा ये देखिए, उसी बिल के मूल्य पर एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट 10 से 15% मार्जिन पर 850 बनाया होता, और उससे ऊंचे स्तर के कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट 20% मुनाफे पर 1,350 बनाता, और एक हाई फाई रेस्टोरेंट 30% मार्जिन पर 1,855 रुपए। लेकिन क्लाउड रसोई और भी अधिक कमाई करता है। ग्राहक का डेटा वो पैमाना है जिसे फूड एग्रीगेटर ऐप्स बाजार को समझते हैं। कौन सा खाना कहाँ ज्यादा चलता है, एक बार ये समझ लिया तो वही खाना बनाने के लिए वो खुद क्लाउड किचन से उसे ब्रांड बना देते हैं। फासोस, जो कि अब रिबेल फूड्स हैं, ने ये पता लगाया कि अधिकांश ऑर्डर बिरयानी और पिज्जा के थे, और उसी के मुताबिक एक क्लाउड रसोई के माध्यम से बिरयानी ब्रांड भिरोज और पिज्जा ब्रांड ओवन स्टोरी लॉन्च किया।
ऊबर के पहले संस्थापक और मुख्य कार्यकारी ट्रेविस कलानिक ने भी कुछ समय पहले $125 मिलियन फंडिंग राउंड में अपने निजी पैसे डालकर हिस्सा लिया। बेंगलुरु स्थित स्विगी ने भी कस्टमर ऑर्डर डेटा का इस्तेमाल करके 3 इनहाउस ब्रांड लॉन्च किए थे क्लाउड किचन द्वारा। अपने खुद के 600 क्लाउड किचन के साथ वे भारत भर में मुंबई डब्बा वाला जैसी सेवा योजना बनाना चाहते हैं। 2017 में फूड पांडा को खरीदने वाले ओला भी विशेष रूप से क्लाउड किचन से ही व्यापार करेंगे। आने वाले दिनों में भारत में इतनी क्षमता है कि अमेज़न भी जल्द ही खाद्य डिलीवरी में कूद पड़ेगा। रेस्टोरेंट को 6-7% कमीशन लालच देकर जबकि दूसरे 15-30% लेते हैं। रेस्टोरेंट एग्रीगेटर्स को प्रतिस्पर्धी बनते देख ना खुश हैं। लेकिन कपड़ा मार्केट में भी यही प्रक्रिया हुई जहां बड़े रिटेलर्स खुद के ब्रांड प्रचार करते हैं। कुछ आंकड़े ये बताते हैं कि प्रत्येक 100 रेस्टोरेंटों में से 41 पहले 3 महीनों के भीतर ही बंद हो जाते हैं जबकि अन्य 32% केवल 10% परिचालन लाभ पा पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज पिज्जा भी ऐप से पीड़ित हैं। उनकी इस साल अप्रैल से जून तिमाही के खराब आंकड़े बताते हैं कि दोनों का मुनाफा कम है। ये स्थिति कुछ उपभोक्ताओं की दबी भावनाओं की वजह से, कुछ उच्च किराए की वजह से या फिर अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण या GST के तहत इनपुट टैक्स लाभ को वापस लेने की वजह से। जोमैटो गोल छोड़ने वाले पहले रेस्टोरेंट फाइन डाइन और हाईफाई टाइप थे जिन्होंने ये तुरंत एहसास किया कि छूट उनके ब्रांड मूल्य को नुकसान दे था। जोमैटो पीछे नहीं हट रहा बल्कि उन्होंने अपनी गोल्ड योजना को मौजूदा 42 से 24 और शहरों में बढ़ा दिया है। एक छोटी सी तब्दीली करके एक टेबल पर 3 लोग सिर्फ 1 गोल्ड का उपयोग कर सकते हैं। ऐप्स तो कम रेस्टोरेंट से जी लेंगे, उनके पास पैसों का भंडार जो है, मगर क्या रेस्टोरेंट ऐप्स के बिना जी पाएंगे? बिस्बो की शायरी। बाहर खाने का चलन खूब बढ़ रहा आज, खाने के सब ऐप्स का युवा दिलों पर राज। लुभा रहा जोमैटो देकर कई तरह की छूट, कई होटलों की गई कमर यहाँ पर टूट। ग्राहक के डेटा के संग खूब हो रहा सर्च, कौन कहां किस छोर पर किस पे करता खर्च। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।